हेलो नमस्कार। जब किसी भी लेडी को इरेगुलर पीरियड होते हैं, गर्ल्स को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो आजकल हर किसी का शक जाता है कि या तो ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है या पीसीओएस की प्रॉब्लम है। हालांकि फर्क बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन कोई भी इंसान आजकल चलता फिरता आपको यही एडवाइस देता है कि आपको पीसीओडी तो नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली इन दोनों में फर्क क्या है, और अगर आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है तो क्या आपको करना चाहिए, क्या रेमेडीज हैं इससे रिकवर करने के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, इसके बारे में बात करेंगे। और इनके सॉल्यूशंस के बारे में मैं ज्यादा बात करूंगी कि अगर आपको भी रेगुलर पीरियड है तो कहाँ दिखाएं, क्या करें और क्या सॉल्यूशन है नेचुरली। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्सुअल काउंसलर हूँ। पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सेक्स लाइफ से रिलेटेड, सेक्सुअल हाइजीन और प्रॉब्लम से रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हूं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पेशली अपनी उन फ्रेंड्स के साथ जिनको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है और शायद कंसीव करने में अब प्रॉब्लम आ रही है या उनको डर लग रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर करने लायक है। चलिए, हम बात कर रहे थे पीसीओज और पीसीओडीज के बारे में। ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। पीसीओज जो प्रॉब्लम है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका मतलब है कि आपको हमारी जो फीमेल की बॉडी है वो दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। समझ लीजिए पी और ई, दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसके साथ साथ मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, जो पावर का हार्मोन होता है, वो भी थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब एंड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन काम ही नहीं कर रहा, तो जब ये दोनों काम ही नहीं कर रहे तो फिर आपको पीरियड्स नहीं होंगे, स्किप हो जाएंगे। इसके अलावा आप में मेल हार्मोन बढ़ गया तो फिर क्या हुआ कि आपको दाढ़ी आने लगी, थोड़े थोड़े बाल आने लगे, आपको ऐसा हो सकता है कि सर के बाल थोड़े से झड़ने लगे, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। साथ साथ क्या होता है कि ये जो लिक्विड है, जो हार्मोन है, बनता जा रहा है, ओवरी अपने एग रिलीज नहीं कर पा रही है, तो वो पानी के फॉर्म में सिस्ट बन जाता है, समझिए गांठ बन गई यूट्रस में, इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। अब क्या है कि ये एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, ये फिर अंदर अंदर चलती रहती है, पीरियड स्किप होते रहते हैं, वेट बढ़ता रहता है और हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करूंगी पीसीओडीज के बारे में। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। ये पीसीओएस से ऐसे फर्क है कि इस डिजीज में जो एक्चुअली हमारे पास ना दो ओवरीज हैं हर फीमेल में, फिलोपियन ट्यूब्स के दोनों साइड, और इसमें से अंडा प्रोड्यूस होता है। वो अंडा जब स्पर्म के साथ मैच करता है तो फिर बेबी जायगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्या होगा कि उसको उसके सेल भी तो ऐसे होना कि वो स्पर्म के साथ अटैच हो सके। जब पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो वो सेल बनते तो हैं ओवरी में से, एग बन तो रहा है, लेकिन वो इतना इमेच्योर है या उसके अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि वो स्पर्म के साथ जुड़ सके, तो वो वेस्ट होते गए, जिसकी वजह से पीरियड्स तो हो रहे हैं लेकिन इरेगुलर हो रहे हैं, आपका वेट बढ़ता जा रहा है और फिर क्या है कि एंड्रोजन्स तो है ही, तो इसकी वजह से क्या है कि आप कंसीव करने में आपको दिक्कत हो रही है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो पीसीओडी है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है और जो पीसीओज है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम की प्रॉब्लम है। जिन फीमेल को पीसीओडीज हैं उनको इनफर्टिलिटी के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते, वो किसी ना किसी सिस्टम से फर्टाइल हो जाती हैं। लेकिन जिनको पीसीओज रहते हैं, जिनकी हमने बोलते हैं सिस्ट बन रहे हैं या एंड्रोजन ज्यादा बन रहे हैं, उनको फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ऐसी 5 इफेक्टिव रेमेडीज बताऊंगी जिससे आप पीसीओ और पीसीओडी की प्रॉब्लम से डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं। होम रेमेडीज, नेचुरल रेमेडी। रेमेडी नंबर 1, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करें, चाहे आप जिम जाएं चाहे घर पे योगा करें, लेकिन ये एक शेड्यूल आपको अपने लाइफस्टाइल में डालना होगा ताकि धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो और फिर पीसीओ और पीसीओडी से आपको धीरे 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 निजात मिल सके। सो रेगुलर एक्सरसाइजेस हाईली रेकमेंडेड एंड रिजल्ट गिविंग।
दूसरी बड़ी चीज है आपकी डाइट। अगर आप अपनी डाइट को मॉनिटर कर लेते हैं, जैसे शुगर कंटेंट कम करना ताकि इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़े और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो और बॉडी एक्टिव रह सके, साथ साथ ब्रेकफास्ट को कभी भी अवॉइड नहीं करेंगे, छोटी 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 दिन में 5 बार खाइए लेकिन छोटी छोटी मील्स लीजिए ताकि आपकी बॉडी डीएक्टिवेट ना हो जाए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप होल प्रोडक्ट ज्यादा लें, फ्रेश वेजिटेबल्स, मौसम का एक फल जरूर अपनी डाइट में ऐड करें और साथ साथ फाइबर रिच चीजें ज्यादा ऐड करें और डायरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। एक स्टेबल ओव्यूलेशन साइकिल मेंटेन करें, जैसे आपके पीरियड्स अगर कभी इरेगुलर हो रहे हैं, टाइम से नहीं हो रहे हैं, तो उनकी चार्टिंग करें और एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिले। अगर कुछ चीजें आपको लगता है लिमिट से ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं, वो इंडिकेट करती हैं कि वहां से आपको काम करने की जरूरत है। साथ साथ स्ट्रेस फ्री रहें, प्राणायाम करें, योगा करें, मेडिटेट करें ताकि आपके बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं, जो कि यूजली पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपकी यहाँ है वहां से प्रोड्यूस होता है, तो वो बैलेंस्ड रहे ताकि जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाए। तो जितना आप रिलैक्स करेंगे, मेडिटेट करेंगे, चक्रा स्टेबलाइज करेंगे, उतना ही आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। कुछ स्पेशल डाइट्स में डेफिनेटली यहाँ ऐड करूंगी, जैसे घर के जो स्पाइसेस हैं, जैसे मेथी दाना है, आंवला है, कोरिएंडर है, जो आपका बिटर गॉड है जिसे हम करेला कहते हैं, ये चीजें भी बहुत हेल्प करती हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, पाचन बढ़ता है, तो भी आपकी बॉडी में जो और प्रॉब्लम्स हैं पीसीओडीज और पीसीओ से रिलेटेड वो बैलेंस हो जाती है। अपनी डाइट का ध्यान रखना नहीं भूलेंगे, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना नहीं भूलेंगे, मेडिटेशन टाइमली करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रखते हुए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो आप धीरे धीरे धीरे, ये एक लाइफस्टाइल इशू है, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हायर कर सकते हैं और आप धीरे धीरे इससे बाहर आ जाएंगे और हैप्पीली कंसीव भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो पहले तो आपके डाउट्स क्लियर कर पाई है, दोनों का डिफरेंस क्लियर कर पाई है और क्या आप कर सकते हैं उनके बारे में भी बता पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगी, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहें तो आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल इंस्टाग्राम फेसबुक, और एक पर्सनलाइज सेशन बुक करने के लिए drnehamehta.com। हमेशा आप लोगों के साथ एसोसिएटेड, बहुत जल्दी एक और बढ़िया वीडियो।